हे गाइस, व्हाट्स अप, स्वागत है मेरे शान कूल टेक एवरीथिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लीच के 1000 ईयर ब्लड वॉर सीजन 3 एपिसोड 1 के बारे में। मैं जानता हूँ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एपिसोड था, ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ था। पूरे एपिसोड के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे आगे चलते चलते, लेकिन सैटरडे वाले दिन इन लोगों ने तहलका मचा दिया। लाइक पूरी एनिमे कम्युनिटी वॉज लाइक इन शॉक, क्योंकि इन्होंने ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर का पहला एपिसोड, सीजन 3 का पहला एपिसोड और ब्लू लॉक के सीजन 2 का पहला एपिसोड ड्रॉप कर दिया सेम डे पे, और दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़िया थे। दोनों के बारे में बात करेंगे, बट इस वीडियो में बात करते हैं ब्लीच की। तो अगर तुमने अभी तक एपिसोड नहीं देखा तो जाओ पहले जाके एपिसोड देख लो, उसके बाद मेरी वीडियो देख लेना। तो विद अ फेस फॉर वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर हमने सीजन 2 का लास्ट एपिसोड छोड़ा था, मतलब सेंजुमारू की बानकाई पे हमने छोड़ा था। और हमने देखा था कि सारे रॉयल स्क्वाड के जो गार्ड्स हैं उन्होंने अपने आप को मार दिया था सेंजुमारू के साथ मर्ज होने के लिए, क्योंकि उसकी बानकाई आई गेस सारे गार्ड्स की पावर्स को यूज़ करती है। तो एपिसोड वहीं से कंटिन्यू होता है, मतलब उस टाइम हमें उसकी बानकाई इतनी ज़्यादा डीपली नहीं दिखाई गई थी। हमें बस दिखाया गया था कि उसने अपनी बानकाई में सारे क्विंसीज को ट्रैप कर लिया है, बट इस एपिसोड के अंदर हमें दिखाया है कि उसने क्या बत्ती बनाई है इन क्विंसीज की। आई एम नॉट इवन किडिंग कि इस एपिसोड के अंदर हमने जब उसकी बानकाई देखी है और जो हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखी थी उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। इस एपिसोड के अंदर सारे क्विंसीज को उसने लिटरली अबलिटरेट कर दिया था अकेले, वो ऑब्वियसली अकेले नहीं है, उसके पास सारे स्क्वाड गार्ड्स की पावर है सिवाय इचीबी के, बट हाँ लिटरली उसने सारे क्विंसीज को धूल चटा ही दी थी। साथ ही साथ वैलकरी को तो उसने जमा ही दिया था, मतलब मुझे लग रहा था कि ये थॉर जितना स्ट्रांग तो होगा ही, क्योंकि ऑब्वियसली थॉर जैसा है, दिखता है तो थॉर जैसा स्ट्रांग होना भी चाहिए, मतलब लिटरली यार। इसके बाद हम देखते हैं कि युआज का जो लूटेनेंट होता है या फिर इसका राइट हैंड होता है या फिर जो भी है, ये बंदा इसके साथ ही रहता है, और जिसने जांगेत्सु को तोड़ा था उस बंदे को तो ये आग में भून देती है, मतलब इसका तो हाफ फ्राइड पक्का है। लेकिन उसके बाद हमें दिखता है बिग बैड विलन युहा बाहा फाइटिंग इचीबे, और यहाँ पर हमें वही फाइट कंटिन्यू होती हुई दिखती है जो हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखी थी सीजन 2 के, मतलब वो चीज़ रिपीट हो रही है, मतलब हमें पूरा इंस्टेंस दिखाया गया स्टार्टिंग से, विच वॉज टाइप ऑफ अ फिलर। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये एपिसोड को बस पूरा करने के लिए वापस से रीकैप दिखा रहे हैं, मतलब ऐसी कोई नीड थी नहीं रीकैप दिखाने की, बट ठीक है चलो रीकैप दिखा भी दिया तो मुझे इतना कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि लिटरली रीकैप में भी मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम देखते हैं कि युहाबा और इचीबे फिर से फाइट कर रहे होते हैं, और कैसे युहाबा का नाम सील हो जाता है और उसको एक नाम दे दिया जाता है इचीबे के द्वारा जो है स्मॉल एंट, और लिटरली वो स्मॉल एंट बोल के उसको क्रश कर देता है। बट इसके बाद हम देखते हैं कि युहाबा ऑलमाइटी पावर को गेन कर लेता है, मतलब अभी तक उसने अपनी ऑलमाइटी पावर यूज़ करी ही नहीं थी। मैं तुम्हें इसका एक सिंपलर एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ कि यूजी के पास अभी सुकुना की 2 फिंगर्स है और वो 2 फिंगर्स पे फाइट कर रहा है, लेकिन जब उसके पास 15 फिंगर्स आ जाती हैं तब उसकी पावर और अब उसकी पावर में क्या फ़र्क है, समझ रहे हो? 2 फिंगर्स सुकुना वर्सेस 15 फिंगर्स सुकुना में क्या फ़र्क है, वैसे ही युहाबा और ऑलमाइटी युहाबा में फ़र्क है। इसके बाद हम देखते हैं कि उरियो फाइट कर रहा होता है सेंजुमारू से, और यही एक अकेला क्विंसी बचा होता है ऐसा हमें दिखाया जाता है, जो कि धोखा है जिसके बारे में हम ऑब्वियसली अभी आगे बात करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं उरियो वर्सेस सेंजुमारू की। तो उरियो सेंजुमारू से अकेला भिड़ रहा होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि उरियो इज़ इन डेंजर, बट हमें बाद में पता लगता है कि उरियो इज़ द डेंजर, मतलब सेंजुमारू हंस रही होती है गोजो की तरह जैसे वो जीत ही गई है, और लिटरली उसके डायलॉग से ऐसा लगता भी है कि उसने उरियो को क्रश कर ही दिया है। बट फिर एक इंस्टेंस आता है जहाँ पर उरियो के पास ऑलमाइटी, जब ऑलमाइटी युहाबा अवेकन होता है तब उरियो के पास भी ऑलमाइटी पावर्स टाइप समथिंग आ जाती है। वेल दैट्स वेयर थिंग्स स्टार्ट टू चेंज, मतलब थिंग्स उरियो की साइड होने लग जाती हैं, उरियो के फेवर में आने लगते हैं, क्योंकि वो सेंजुमारू को मार देता है। मतलब अब तुम्हें एक रीज़न मिल गया है उरियो को हेट करने का, और वो ये है कि उरियो ने एक रॉयल गार्ड को मार दिया, वो भी इतनी हॉट। जस्ट आफ्टर किलिंग सेंजुमारू हम देखते हैं कि उरियो की जो पावर्स है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही होती हैं, क्योंकि इतनी पावर उरियो हैंडल नहीं कर सकता है, बट स्टिल उरियो ट्राइज टू कंट्रोल इट और वो कंट्रोल कर भी लेता है। और जस्ट इसी के बाद हम देखते हैं सुकुना को मेलेविलेंट श्राइन यूज़ करते हुए, इसके बाद हम देखते हैं इचीबे को यूज़ करते हुए अपना डोमेन एक्सपेंशन, पर बानका या फिर समथिंग लाइक दैट, और हम देखते हैं ऑलमाइटी युआज उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, मतलब उसको बहुत सारे हिस्सों में बांट देता है, विच इज़ आई थॉट दैट इट इज़ द एंड ऑफ इचीबे, बट
ये नहीं है एंड इचिबे का, ऑब्वियसली आगे हम बात करेंगे इस बारे में। इसके बाद कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो देख के मैं बिल्कुल ही शॉक हो गया कि ये सारे क्विंसी जिंदा कैसे हैं। मतलब इतने लफड़े के बाद, इतनी कुटाई के बाद, ये सारे के सारे क्विंसी अनहार्म्ड और अनस्क्रैच्ड कैसे जिंदा हैं। वेल, ये इसका आंसर तो अभी तक हमें नहीं मिला और ना ही मिल पाएगा, इसका आंसर तो टीटे कुबो ही देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि युहा बाहा सोल किंग के घर में घुस जाता है, मतलब सोल किंग के टावर में घुस जाता है और सोल किंग के काम डाल देता है, मतलब अपनी तलवार से सोल किंग की छाती में, मतलब छेद नहीं, मतलब एक कुछ लंबी सी लकीर ही डाल देता है ऐसे। एंड माई फ्रेंड्स, हेयर द एपिसोड एंड्स, बट जो नोटिस करने वाली चीज़ ये है वो है कि युहा बाहा या फिर युआज सोल किंग को फादर बुलाता है और वो उसका बेटा है, मतलब युआज सोल किंग का बेटा है, दैट्स वाई युआज इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड है। नाउ वी गेट टू नो वेयर युआज इज गेटिंग हिज पावर्स फ्रॉम। साथ ही साथ एक चीज़ और नोटिस करने की है, वो ये है कि मुझे नहीं लगता कि ओरियो इनकी साइड है, क्योंकि देन अगेन द मेन पॉइंट कम्स इन द प्ले कि ओरियो इनकी साइड क्यों ही होगा। मतलब ओरियो, मैं जानता हूँ कि सोल रीपर्स को भले ही हेट करता हो, लेकिन उसकी इचिगो से अच्छी बॉन्डिंग थी। साथ ही साथ जब वो सेंजुमारू की बानकाई के अंदर होता है, वो कहता है आई एम फाइटिंग फॉर अनदर पर्पस, मतलब उसका कोई ना कोई अलग पर्पस ज़रूर है युहा बाहा से। उसका ये पर्पस नहीं था सोल किंग को मारना, बट स्टिल ही हैव टू एक्ट आउट क्योंकि उसको इचिगो की हेल्प करनी है, तो ऑब्वियसली। खैर, इसके बाद हम देखते हैं एंडिंग में कि इचिबे अभी तो जिंदा है, मतलब इचिगो इचिबे का नाम लेता है एंड ही जस्ट रिवाइव्स हिमसेल्फ, और लिटरली उसने सारी चीज़ें इचिगो के शोल्डर्स पे डाल दी हैं कि मतलब और कोई उसको नहीं रोक सकता, भाई युहा बाहा को एक काम कर, तू ही रोक ले। एंड वन मोर थिंग विच आई फेल्ट इंट्रीगिंग, ओके तो मुझे नहीं पता कितने लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया, बट डजंट दिस स्वॉर्ड लुक्स लाइक जांगेत्सु, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जांगेत्सु से रिजेंबल हो रही है। मुझे नहीं पता, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना अगर तुम्हें लगता है तो। विद दैट बीइंग सेड, वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे और यही था ब्लीच के पूरे एपिसोड में। मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ फिलर चीज़ें मिस करी हैं और कुछ मैंने ऐसा इंपॉर्टेंट मिस नहीं करा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।